सेवेंथ क्लास स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मैथ टीचर। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.1 का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। एक डायग्राम से वेरीफाई करो क्या एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन और ऑल्टीट्यूड सेम हो सकता है या नहीं। एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 6.1। क्वेश्चन नंबर इज 3। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये हमारा है थर्ड साइड, इसके बाद हम इसके दो इक्वल साइड्स ड्रॉ करेंगे। बेस में हम रखेंगे नाम EF, ये एक लाइन सेगमेंट EF। इसके बाद इस पर हम दो इक्वल साइड्स ड्रॉ करेंगे जो कि इससे बड़े होने चाहिए। ये हमने एक ड्रॉ किया। जहां पर आर्क्स इंटरसेक्ट हो गए वहां पर नाम देंगे D। अब इन आर्क्स को साइड्स के साथ इन पॉइंट्स साइड्स के साथ ज्वाइन करेंगे। यह बन गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF जो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि इस पर अब हमें देखना है कि ऑल्टीट्यूड्स और मीडियन सेम हो सकते हैं नहीं या नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले बेस को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे, देखेंगे क्या वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टेक्स से आएगा कि नहीं। हाफ से ज्यादा लेना है, EF हाफ से ज्यादा लेना है तो वो इतना बनता है। यहां पर हमने एक आर्क डाला EF से, इसके बाद E से भी दूसरा आर्क डालेंगे, यहां से भी इसी तरह करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। इसके बाद इन आर्क्स को हम अब ज्वाइन करेंगे। आर्क्स को हमने ज्वाइन किया और ये देखो, ये वर्टेक्स को भी इसने ज्वाइन किया। जहां आर्क्स ज्वाइन हो गए वहां पर हम नाम देंगे L। ओके। इसके बाद अब हम DF साइड को बाइसेक्ट करेंगे, हाफ से ज्यादा लेंगे। ये मैंने लिया हाफ से ज्यादा, आर्क डाला, इसके बाद इस वर्टेक्स D से भी हाफ आर्क डाला मैंने, यहां से भी ऐसे करेंगे और D से भी, E से पहले, EF से फिर D से। अब इन आर्क्स को भी आपस में ज्वाइन करेंगे। इस आर्क का नाम रखेंगे M, जहां पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। अब इसके बाद अब हम DF साइड लेंगे, DE साइड लेंगे, इसको भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे। पहले D से फिर E से, उसके बाद दूसरे साइड में E से और फिर D से, जहां पर आर्क्स इंटरसेक्ट हो गए वहां पर अब हम उनको ज्वाइन करेंगे। ये हमने आर्क्स ज्वाइन किए, यहां पर हम इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम देंगे M। आप इस डायग्राम को अच्छे से देखो, पहला जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, जब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन आर्क्स को ज्वाइन किया वो सीधे वर्टेक्स से जा मिला। इसका मतलब ये अब हमारा मीडियन भी बन गया, और मीडियन इस वजह से कि इसने दो एक तो ये वर्टेक्स से आया और बेस को दो हिस्से हो गए, बन गया ये मीडियन। ऑल्टीट्यूड इसलिए क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन गया और वर्टेक्स डी से आया।
अब M की तरह देखिए, M तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, लेकिन मगर ये वर्टेक्स से ज्वाइन नहीं हुआ। और F और ये वाला N वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखिए, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, मगर इसने वर्टेक्स को ज्वाइन नहीं किया। दिस मीन्स ओनली दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्ट्स एज मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड फ्रॉम D टू AF। We have an isosceles triangle DEF such that DE is equal to EF. When we draw perpendicular bisector L, M and N of sides EF, DE and DF, we find out of three perpendicular bisectors, only L passes through the vertex D common to the equal sides DE and EF. हैंस ओनली, यहां पर नाम देंगे जी हम, ओनली डी जी एक्ट्स एज मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड फ्रॉम डी टू एफ। लास्ट में लिखेंगे दस इज इन दस इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स कॉमन टू द इक्वल साइड्स टू द थर्ड साइड और ऑलवेज इक्वल। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसमें एक ही मीडियन और ऑल्टीट्यूड सेम होगा जब वो वर्टेक्स से आएगा और थर्ड साइड को इक्वली हिस्से करेगा, वो ही एक ऑल्टीट्यूड और मीडियन सेम ऑलवेज होता है। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डे पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।